विकास तो आ ही नहीं हमारे क्षेत्र में कहीं जी। तो कारण ही कारण है, मंत्री आवे लॉलीपॉप दे जा, होता कुछ नहीं। बोल भाषा इनकी भाषा, इनके कारनामे, इनका अत्याचार किसानों पर सबसे ज्यादा। अरे इन्होंने तो ऐसे कर दी भाई, बेचारो ना यहाँ 15-15 के गैंग फिर रहे, क्या करें इनका, फिर वोट मांगे, वोट से तो पहले ही हमें वही मार देंगे। कारण तो है विकास नहीं, हमारे गांव में कहीं विकास ही नहीं है। जिस आपका सपा हो गया ऐसा 24 में हो जाएगा, कारण ही है काम नहीं करा पड़ेगा, जड़ तक हो देंगे आपका। भाई ये चुनाव तो इसकी जो था विक्रम सैनी इसके ऊपर था जी। भाई इसकी भाषा गलत थी, अब शब्द वैसो कहता दूसरों को, ये तो यो बात थी और कुछ नहीं थी, झूठ बोल रहा है ये बीजेपी वाले। हाँ बड़गलाब है, हिंदू मुस्लिम कर रहे, काम करते नहीं, कोई जाओ मोबाइल बंद रख है ये, और कह रहे हैं कर दिया थोड़ा काम बीजेपी, और कहाँ मरेगा जाकर, 5 साल से पैसा नहीं दे रहा है, एक भी खाद कितना बढ़ गया, दवाई कितनी बढ़ गई। ये कारण जो एक तो बिजाड़ छोड़ रखे हैं, एक सरकार ये किसानों को परेशान कर रही है। अरे इन्होंने तो ऐसे कर दी भाई, बिजारो ना यहाँ 15-15 के गैंग फिर रहे, क्या करें इनका, फिर वोट मांगे, वोट से तो पहले ही हमें वही मार देंगे। कारण तो है विकास है ही नहीं, हमारे गाँव में आए कहीं विकास ही नहीं है। जिस आपका सपा हो गया ऐसा 24 में हो जाएगा, कारण ही है काम नहीं करा पड़ेगा, जड़ तक हो देंगे आपका। भाई ये चुनाव तो इसकी जो था विक्रम सैनी इसके ऊपर था जी। भाई इसकी भाषा गलत थी, अब शब्द वैसो कहता दूसरों को, ये तो यो बात थी और कुछ नहीं थी। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव खानपुर का जाट समाज भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी नीतियों से नाराज है। कानपुर के किसान पिछले कई सालों से गन्ना क्रय तोल केंद्र की मांग कर रहे थे। हाल ही में हुए खतौली उपचुनाव से पहले खानपुर में मंत्री संजीव वालियान ने गन्ना क्रय तोल केंद्र स्थापित किया था, लेकिन जैसे ही 8 दिसंबर को खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो अगले ही दिन गन्ना तोल केंद्र को बंद करा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से बीजेपी को कम वोट मिले थे, इसलिए बीजेपी ने चुनाव से पहले शुरू किए गए अपने गन्ना तोल केंद्र को बंद करा दिया। खानपुर के किसानों का कहना है कि तोल केंद्र को शुरू होना चाहिए, उनका कहना है कि वो अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। खानपुर जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? अरे इन्होंने तो ऐसे कर दी भाई, बिजारो ना यहाँ 15-15 के गैंग फिर रहे, क्या करें इनका, फिर वोट मांगे, वोट से तो पहले ही हमें वही मार देंगे। 2 मरखंड है इनमें, लोगों को रास्ता भी बंद कर रखा, और जो भी नेता है उसे ही कहें भाई ना पकड़वा लो, बांध लो, कुछ तो करवा दो, बिकवाते नहीं तो ना बिकवाते ना बिकन देते। और भाई परेशान है गांव बहुत ज़्यादा, अभी मेरे खेत में 15 भी जा रहे हैं, अभी खेत का दूसरे का फोन आ लिया कि इसमें और बढ़ रहे, कहाँ जाऊँ कहाँ कहाँ जाऊँ, अब बताओ डॉक्टरी करूँ इन्हें बेचारों को, खेत दूँ क्या करूँ। जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? इसमें तो ये 0 पे जाएंगे आपके, यो हाल लग रहा है, जनता ऐसे परेशान हो रही भाई इन बिजारों से, इनकी वजह से ही। क्या कारण है? ज्यादा बड़ी परेशानी बिजार की है, बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए, क्या करें इनका, बिजली के बिल की समस्या भी रहे, बिजली की समस्या, और गन्ने पे कोई भाव बढ़ाते नहीं है, गन्ने का भाव घोषित भी नहीं हुआ अभी न होने का, क्यों? क्योंकि 24 में ही करेंगे बस, ये घोषित ही इससे पहले करने के नहीं, 24 में घोषित करके लाभ लेंगे किसानों से वोट, फिर हम इनसे बिगड़ेंगे, अभी हमारे से बिगड़ रहे। अच्छा और बताओ, जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें बीजेपी के नाम पर वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी? प्रत्याशी देख के हाँ, अब क्या बीजेपी को भूल रहे लोग भाई, बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा ना। अच्छा इन समस्याओं का अगर समाधान कर देती है सरकार, क्या बीजेपी को वोट करेगा गाँव? हाँ फिर तो आदमी सोचिए, कोई लड़ाई थोड़ा है बीजेपी से, लेकिन तो जब हमें परेशान कर रहे तो भाई क्या करें फिर इनका। यहाँ तो गांव में कांटे का मसला बड़ा चल रहा, 10 दिन तोल चली, कांटा लगा चुनाव से पहले, चुनाव के बाद कांटे की तोल बंद कर दी, सारा गांव परेशान है। क्यों बंद कर दी भाई? वो तो इन्हें पता होगा भाई, कोई क्या शिकायत कर दी, कोई क्या वोट कम मिली। किसने लगवाया था कांटा? मंत्री जी ने, संजीव वालियान जी। हाँ जी। अच्छा उनसे मिले नहीं फिर आप? मिले हम तो भाई, 3 बार गए उनके पास। क्या कहा कंटे के बारे में? अब भाई चलवाओगे, लेकिन अभी तक तोल लगी नहीं। रात भी जागना यहाँ तो, रात को वहाँ कंटे पे बैठे रहे पैरा दें, और भाई दिन में बिंगे तिंगे भाग दौड़ करनी, वहाँ धरने पे बैठना, रोज धरना धर रहा, उस दिन से आज 25वां दिन लग गया, और कंटे की कोई सुनवाई अभी हुई नहीं।
अब चौधरी साहब ने पंचायत रख दी 7 तारीख की SDM के यहाँ तहसील में। अब यो सारा गांडा उस दिन 7 तारीख को वहीं ले जाएंगे SDM के यहाँ, या तो SDM के ऑफिस में तोलेगा गांडा, नहीं खानपुर सेंटर पर तोलेगा। बीच में हम कहीं नहीं तोलने के, चाहे हमें कितना ही भका लियो। गांव खानपुर, खानपुर जैसे उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? इसका काफ़ी पड़ेगा। तो क्या कारण है? कारण देखते हो, विकास तो यहाँ ही नहीं हमारे क्षेत्र में कहीं जी, तो कारण ही कारण है। मंत्री हमें लॉलीपॉप दे जा, होता कुछ नहीं। एक सेंटर दिया था, जैसे एक सेंटर आया था दिया था हमारे गांव में चुनाव से पहले जी, वो ही बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? इधर मंत्रियों ने करा, संजीव वालिया भाजपा वाले, सरकार कर रही। क्यों करा बंद? उन्हें वोट नहीं मिली हमारे गांव में, वोट नहीं मिली चुनाव में। हाँ, तो सेंटर बंद कर, सेंटर बंद कर दिया। कितने दिन पहले लगा था ये सेंटर? ये सेंटर 2 तारीख में लगा था जी, और 9 में बंद हो गया था। 9 में जैसे 24 का चुनाव होगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा मानते हैं? प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा जी, काफ़ी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना जी। बाल्यान खतरा है। अगर बीजेपी का संजीव बाल्यान को टिकट देती है तो किस तरह देखते हैं उनके? हार है, हार बाल्यान की हार है। क्या कारण है? कारण विकास तो कुछ है ही नहीं, लोगों को भकाना का काम है इनका, जो वादे करें पूरे नहीं होते, तो यही कारण है। गाँव खानपुर, खान खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? इसका तो बहुत प्रभाव पड़ेगा जी, जी बहुत जनता कट गई। क्या कारण है? कारण तो है जी, विकास है ही नहीं हमारे गाँव में, कहीं विकास ही नहीं है। क्या काम की जरूरत है, क्या नहीं हुआ? हमने तो एक बात रखी थी, हमारे गाँव को सेंटर चाहिए जी, सेंटर दे दिया और यहाँ से वोट नहीं मिली तो सब बंद करवा दिया। तो किस तरह देखते हैं आप, जो सेंटर दिया उसे बंद करवा दिया? बात तो जो एक थोड़ी घनी वोट मिली थी, अब कभी भी नहीं मिलने 24 में। हाँ जी, एक अब बीजेपी की बौखलाहट मानते हैं इसको? हाँ जी, बौखलाहट है इसको, बीजेपी बौखला ही हुई है। हाँ जी, चक्कर काटते फिर रहे, चक्कर काट रहे हैं, जनता एक होगी इस चुनाव से। हाँ जी, बहुत जनता कट गई, एक सांड इतने फिर रहे, सारे खेत खा गए रहे, आवारा सांड। हाँ जी, अच्छा क्या इन समस्या, आवारा सांड की समस्या और आपका कंटे की समस्या का समाधान हो जाता है 24 से पहले, तो क्या बीजेपी की तरफ जाएगा गाँव? हाँ, चला भी जाओ भाई, फिर तो जाऊँगा भाई, अगर कंटा चलता है जी तो चले जाए थोड़े बहुत वोट देंगे। हाँ, अगर नहीं चलता है तो? नहीं चलता तो एक भी वोट नहीं मिलना ही, जो थोड़ी घड़ी मिली भी नहीं मिले। जैसे कंटा लगवाया था उसके बावजूद भी गांव से बीजेपी को वोट ना मिलने का क्या कारण लगा? कारण तो यही है जी, जब यहाँ विकास नहीं हुआ, एक कैंडिडेट बढ़िया था उनका जी, तो सब बोलने की तमीज नहीं थी, क्या कहना क्या नहीं, सब गाली दिया था, उल्टा बोल लेता। मैन कारण ही होता जी, अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देगी 24 में तो कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव आपका? तो मुश्किल निकलेगा, यहाँ चाहे कैंडिडेट बदल लो, कुछ ही बदल लो, बीजेपी नहीं जीतेगी। हाँ, खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? जिस आपका सपा हो गया सही, 24 में हो जाएगा सपाया? क्या कारण है, क्यों नाराजगी बीजेपी से? आपने तो बनाई थी, बता क्या बताऊंगा तू? नहीं सही बात है, समस्या थी भाई, बीजेपी ने कांटा लगवाया और फिर फड़वा दिया। नौ वोट क्यों नहीं दी तुमने बीजेपी को? नहीं तो नहीं दी, जब भी फड़वाया, जब डुप्लीकेट कांटा लगवाया। हाँ, ऐसी डुप्लीकेट सरकार है, बता क्या करूँ। अगर कांटा दोबारा चल जाता है 24 से पहले तो क्या बीजेपी को वोट देंगे आप? हाँ, वोट दे देंगे, जो अभी चल जाए हमारा कांटा 24 में वोट दे देंगे। 24 का चुनाव होगा उसमें कितना प्रभाव इस उपचुनाव में पड़ेगा? पानी लाया शायद चुनाव तो भाई, यहाँ तो 90% प्रभाव है। क्या कारण है इतना प्रभाव हुआ? क्या कारण किस तरह के काम बीजेपी के यहाँ? बहुत खराब, बहुत खराब काम है बीजेपी के। हाँ, बहुत गलत कर रही है बीजेपी। क्या समस्या है? बस सारी समस्या ये, 5 साल हो गए पैसा नहीं बढ़ाया गन्ने पे, गन्ने का। हाँ जी, और भाई गन्ने
घंटे की क्या समस्या है यहाँ? घंटा 2 तारीख में लगा, 8 में नतीजे आए, 9 में तोल बंद होगी और जब सब खड़ा ही है बस और रखवाल करनी पड़ रही। मिले नहीं आप मंत्री जी से? मंत्री जी कहीं फिर मिल लिए? क्या कह रहे हैं मंत्री जी? नुकाय अगले साल अगले 24 में सरवम्मा सारा कांटा चलवम्मा अगले 24 में। 24 में अगर फिर 24 में वोट नहीं दी तो फिर फटवा दूं। फटी जा गए तो फटी रहा जो था कहां जा रहा और प्रधान जी हैं वो। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है जी, इसका प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे? बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा, तकड़े वाला। क्या कारण मानते हैं? कारण ही हुआ है, काम नहीं करा। किस तरह के झूठे वादे? झूठे वादे करे, काम करा नहीं कोई भी। क्या वादे करे थे? सड़क बनवाएंगे, यो करवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, बिजली की सुविधा अच्छी देंगे, बिजली के बिल कम करवाएंगे, आधे 12 लोग तो फ्री करवाएंगे। अरे 50,000 रुपए 8 महीने के, 9 महीने के 50,000 का बिल। हाँ 8.5 महीने का 50,000 का बिल 12 का, तो इसकी वजह से नुकसान रहेगा। हाँ नुकसान रहेगा पक्का। अच्छा, क्या पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी 24 के चुनाव में या प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा? प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, अगर प्रत्याशी अच्छा उतारती है बीजेपी, क्या उस दौरान बीजेपी को वोट दी जाएगी? नहीं नहीं, हम नहीं दे रहे बीजेपी नहीं जाती भाई। बीजेपी प्रत्याशी कैसे लिए? अब का तो हिसाब बदल गया मामला। क्या कारण है? कारण ही हुआ है इन्होंने काम करने का, काम करे नहीं, किसानों को तबाह कर दिए, जो किसानों के फसलों की मांस छुड़वा दी, डंगर छुड़वा दिए जंगलों में। हाँ कोई बात नहीं, तो किसानों की फसलों का नाश करवा दिया, सब खेत उजाड़ के गेर दिया, सरसों बो दी वो खत्म, जी बो दी वो खत्म, गेहूँ बो दिया वो खत्म। अब गन्ने में बस गन्ना देख लो तुम, जो गन्ना जो ले देगा हो जाओ जबरदस्ती। हाँ खावे तो, पर इतना मतलब नुकसान नहीं होता हमसे, जोर तो उनमें बहुत करे नहीं होता। अगर आवारा पशुओं का इंतजाम सरकार कर देती है, हाँ हाँ, क्या कुछ फर्क पड़ सका है? 2-4% का बचा दे, 2-4% तो नाराजगी तो है भी, नाराजगी तो है यार रहेगी जब तक ये कान वो नहीं करने गए। वादा खिलाफी करेंगे कि बालकों की हस्ती जी मरवा दी, 4 साल की नौकरी कर दी मिलिट्री में। कौन सा गाँव है? कानपुर। खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? पड़ेगा जड़ तक हो देंगे आपके पड़ेगा बताया। नहीं नहीं, यू क्या कारण है? कंटा नहीं फाड़ दिया? कंटा हैं पहले लगवाया, फाड़ दिया। किसने लगवाया था? किसने? संजीव बालियान ने। किसने फड़वा दिया? वही फड़वाया होगा, वही फड़वा है। क्या कारण मानते हैं उस कंटे को फड़वाने का? वो बेचारा इलेक्शन हार गया कंटा पर। इलेक्शन तो विक्रम से नहीं हारा? हाँ तो उसका सपोर्टर था ना, सपोर्टर था उसका। अच्छा, और फिर चलो कंटा दे दिया था तो इतनी ऑटो थोड़ी जीत जाता। अच्छा, जैसे यहाँ से गांव में कम वोट मिली तो क्या यही कारण रहा? पक्का ये कंटा रहा। अच्छा, क्या चल रहा कंटे में? मंत्री जी से मिले आप? गांव के लोग भाई घपा घपी हो रही है अभी तो। अब जब वहाँ लगवा जाओ सेंटर पर लगवा जाओ। अच्छा, धरना भी दिया जा रहा आप? 25-30 दिन हो गए धरना चलते हुए। हाँ, क्या मांग है कंटे की? मांग है बड़ पर चल जा, यही चल रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत है कंटा ना होने की वजह से? भाई परेशानी हो, वहाँ दूर जाना पड़े। क्या दिक्कत है कंटा ना होने? अरे दिक्कत थोड़ी है, मतलब इतना खर्चा आवे जड्डा हो रहा खतो ले लो यहाँ गिर के अपना छुट्टी। अच्छा, मिल में किसी अधिकारी से मिले आप? सारे अधिकारियों से मिल रहे, सबसे मिल लिए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ, इसका प्रभाव इसका 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? वो तो जनता का रुख बताओगा भाई जी, यानी जनता कहाँ को चप रहे। आपका क्या रुख रहेगा उस चुनाव में? हमारा तो रुख यो रहेगा भाई, जैसा यो कर रहे हैं अभी भाई। एक तो यो गन्ने का मूल्य नहीं घोषित करा, हम भी तो किसान ही हैं, चलो फौज में नौकरी करी है या कहीं भी करी है तो किसान ही। अब तक तो रेट ही डिक्लेयर नहीं जी। फिर दूसरा हमारे गांव का जो कांटा था यो भी फाड़ का वहाँ पुचा रहे जम्मू तवी जावंड है। हाँ जम्मू तवी है। तो भाई इस बात से भी तो लोग बाग खपा कुछ, जो बीजेपी ने दिवाया था कांटा यो बौखला गई है। बौखला, हाँ जी, बौखलाहट पैदा हो गई।
बस 24 में तो आने वाला समय ही बताओगा। अभी तो साल भर पड़ा, साल भर में तो फेर बदल हो ही जा, यानी बाजी पलट सकते हैं बीजेपी। हाँ, पलट सकती है। जब क्या महत्वपूर्ण पार्टी रहेगी या प्रत्याशी देख के वोट की जाएगी? देखो इनका समय तो हो लिया, अभी पूरा ही दो योजना होली, अब तीसरे को देखेंगे किसी और नई पार्टी को। अच्छा तीसरा देखेंगे। हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव तो सारी दुनिया ही चाह। फसल बदली करे हम, गन्ना कभी गेहूँ कभी गन्ना कभी मक्का को, ये तो बोते ही रहे। तो ऐसे ही सरकार को भी बो के देख लेनी चाहिए। कैसी उतरी वादों पर अपनी सरकार? सरकार वादों के बर खिलाफ निकली जी सारी, वादा खिलाफ ही करी। हाँ, ट्वेलो पे मीटर लगाना, बिल माफ हाफ करना, माफ करना, पता नहीं क्या क्या वादे दिए थे। जो इनका घोषणा पत्र था वो तो इनके पास ही है सरकार के, तो उसे अपना घोषणा पत्र देखना चाहिए क्या है सारा। खतौली का उपचुनाव हुआ है। हाँ, किस तरह देखते हैं इसके बाद 24 के चुनाव को? 24 के, 24 में तो 8 था, तो 24 को जो भी तो देखा गया क्या भाई? प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा। कितना प्रभाव बजला सेंटर का है भाई जी? कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना पड़ा जो करा पड़ा भाई? सही, इतना ही पड़ेगा जितना पड़ा। क्या कारण बीजेपी की हार का यहाँ से मानते हैं आप? अरे ना तो राशन दें ना वो कहना, हमारी तबल सम्मान निधि भी नहीं आई जो दी। हाँ, और 36 बार कागज दे लिए। अच्छा, हाँ, अब तक सम्मान निधि भी नहीं। तो क्या कारण, क्या यही कारण रहेंगे? नहीं तो बोल रहे हैं कि उनको हमने ये दे दिया, अरे हमने ये दे दिया है जी। क्या काम बीजेपी का आपको अच्छे लगे इन 8 साल, 8.5 साल में? बस एक ही चीज हमें तो बढ़िया लगी, इतना रोड तो ठीक करवाई। कौन सी वाली? सारी करवा दी इन्हें। बाहर की हाईवे? बाहर की हाईवे नहीं, हमारे गाँव की भी, और जैसा हम खतौली जहाँ है जी, तो रोड तो ठीक ठाक है, और तो इन्हें कुछ करवाया नहीं। सुरक्षा व्यवस्था भी तो, सुरक्षा तो जब यहाँ धनिया है ही नहीं, सांड छोड़ रखे है जी, भाई धनिया तो है ही नहीं, सुरक्षा और क्या हाल ले जाएगा वो भाई? ले भाई कोई आओगे करना भाई यो है करना, चल भाई तेरे साथ और लगे। खतौली का उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? नू पड़ेगा, ये एक तो हमारे देख ला, हमारा संजीव बालियान ने कांटा लगाया, फिर दूसरा पड़वा दिया और वो मंजूरी दे दी दूसरे की, लेकिन जवान में लगा रखा इसे नहीं चलवाया, उसे चलवा दिया, इसे मंजूर तो मिली की, लेकिन उसे चलवा रहे गांव वाले को नहीं चलवा रहे। जावन कितनी दूर है? जावन 3 किलोमीटर है इससे, 3.5। हाँ, 3.5। यहाँ से पड़वा के वहाँ, वहीं से पड़वा करके वहाँ लगवा दिया। क्या कारण है? कारण तो भाई उसका ही पता होगा, वोट कम गई भाजपा की यहाँ से। हाँ, वोट नहीं गई, नड़की ज्यादा गई, गठबंधन नहीं दी वोट भाजपा को। हैं, भाजपा को वोट क्यों नहीं दी? हमारे डंगर फसल खा रहे, हमारे लम्डे जब तक ड्यूटी नू कहता योगी और मोदी नुको भाई फसल वो नौकरी दे दूँ सबको, भाई हमारे तो जात खोक भी है, हमारी खेतों में नौकरी लगवा दी तो फिर है ना निंगे से निंगे, जब भी फरी जब भी फसल हमारी खा रही वो आ लिया निंगे का, वो आ लिया वो फोटो। हाँ, तट किसान वो हमारी तो नौकरी लगा रखी इन्होंने भाजपा वालों ने, जय इनकी खतर बोल रखी हमने, पैसे भी आ रहे हैं, पैसा कोई इसका पैसे भी आ रहे हैं, पैसा नौकरी के, नौकरी के, अरे फ्री में नौकरी दे रहे, फ्री में नौकरी लग रही, मारे तो खेतों में से काट रहे ना 2000 आ नहीं रहे, वो नौकरी ना आए। हाँ, वो भी बहुत से इसका योगी का भी फोटो ले लो। हाँ, वो बढ़ गया घर में। हाँ, बताओ और कर क्या? समस्या का समाधान बीजेपी कर देते हैं, क्या बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देने के, देने के नहीं भाई, बिल्कुल नहीं देने के, नाराजगी नहीं, समाधान करेंगे देंगे भाई। भला भाई, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा भैया? ये तो आने वाला वक्त बताओगा जी, नहीं अभी से क्या कह सके भाई हम लोग। जैसे ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का, तो किस तरह देखते हैं भाई? ये चुनाव तो इसकी जो था विक्रम सैनी इसके ऊपर था जी भाई, इसकी भाषा गलत थी, अब शब्द वैसो कहता दूसरों को, ये तो यो बात थी और कुछ नहीं थी। इसका संजीव बालियान से लोकदल से जैन से कोई मतलब नहीं था, इसका तो इससे विरोध तो इसका था विक्रम सैनी का विरोध था। प्रत्याशी बदल देती है तो क्या चुनौती? नहीं जीतता तो थे नहीं, अब गए भाजपा चुनाव नहीं जीतती थी यहाँ से। हाँ भाई, माहौल ही वैसा बदल गया था वो, कहता
देखो वो तो आने वाला समय बतावेगा भाई, बहुत लंबा समय है अभी, है नहीं। चौबीस के चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी महत्वपूर्ण होगा? नहीं भाई, तो देख समय बताओ, कोई पार्टी को पसंद करे भाई, कोई करे कैंडिडेट को पसंद, कुछ जातिवाद बाज हुआ, कुछ पार्टी को लेकर चले, कुछ अपने रिश्तेदारी संबंध को लेकर चले, इनमें तो ऐसे है इनमें। अच्छा, जैसे 8 साल 8.5-9 साल हो चुके बीजेपी के, तो किस तरह के काम बीजेपी के आपके गांव में रहे भाई? बीजेपी के तो काम क्या, जो कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं, सबसे बुरा काम तो दी जो हमारा जो ये ढोल छूट रहे भाई, किसान की इतनी हैसियत बांधने की तो है नहीं, बंद घर उस ढोल को अपने घर बांधने का है नहीं। चलो बछिया हो जाए, बछिया पहले बिका जाती है, बछिया बिकती भैया, कोई लेने वाला नहीं, खरीदार नहीं इनका। अब जब बछड़े हो जाए, ये बिछोड़ा जो मनो भाई, गाय खराब होगी तो वह छोड़नी पड़ेगी है। अच्छा, किसान की इतनी हैसियत नहीं भाई, उन्हें चारा भी खोया, जगह भी इतनी है नहीं किसी के पास में, छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, छोड़ देंगे, FIR दर्ज, कांटे कचिले ताल अपनी फसल को बचाने के लिए तो FIR दर्ज। तो ये अच्छी नहीं, किसान के हक की ये बात नहीं हो। फिर गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया एक पैसा भी इस साल, जैसा चुनाव आ गया कोई पैसा नहीं बढ़ाया, अभी तो भाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ भाई, है नहीं। क्या बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा नुकसान, तो कुछ पहुंच सकता है जो आगे समय बताओगा, जैसे भी कुछ बात पता नहीं क्या है, अभी तो लंबा समय है कि नहीं भाई। होली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका प्रभाव तो हम तो लोकदल के आदमी और लोकदल की वोट देंगे जी। हाँ, लोकदल ही जीतेगा हमारे यहाँ से, आपके भी लोकदल ही। हाँ, पक्का। जो क्या कारण है बीजेपी की हार का? बीजेपी और कहाँ मरेगा जाएगा, 5 साल से पैसा नहीं दे रहा है, एक भी खाद कितना बढ़ गया, दवाई कितनी बढ़ गई, तो महंगाई महंगाई है, महंगाई सब हर आदमी तरसता है महंगाई से। क्या बीजेपी को नुकसान होगा इन सभी? बीजेपी को नुकसान होना ही है, पश्चिमी यूपी में तो होना ही होना है। गन्ना बेल्ट जो है वो वोट नहीं देगी बिल्कुल भी, गन्ना बेल्ट बिल्कुल ही वोट नहीं देगी। जैसे ये उपचुनाव हुआ, इसमें बीजेपी की हार का क्या कारण आप मानते हैं? चुनाव का कारण तो इनका उम्मीदवार ही ऐसा था, पहले वही सबको वाली दे, उम्मीदवार ही ऐसा था, उसके कारण ही पब्लिक का रुख बदल गया। 24 में किस तरह रहे? महंगाई ज़्यादा है 24 में, तो यहाँ तो लोकदल का वो जोर रहेगा, लोकदल कह रहे हैं। लोकदल का क्या अच्छा लगता है, क्या बात आपको अच्छी लगती है? भाई चौधरी चरण सिंह की बनाई हुई पार्टी है, उन्होंने किसानों को जगा दिया। हाँ, किसान भी कोई चीज़ है, चौधरी चरण सिंह बहुत आदमी थे, उन्हीं का पुता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। तो किसानों के हक में काम करेगी? किसानों के हक में काम करेगी, उम्मीद है आपको? उम्मीद है मुझे पक्की। 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा इसका तो दुगना पड़ेगा, और भी इससे ज़्यादा, इससे और भी भारी पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? ये कारण जो एक तो ये बिजाड़ छोड़ रखे हैं, एक सरकार जो किसानों को परेशान कर रही है गन्ने का पेमेंट में, एक हमारे गांव में सेंटर दिया था वो उठा लिया है एकदम। किसने दिया था सेंटर, किसने उठा? धरना धरका है अब ये तो, जब तो यहाँ नेताजी कह गए थे, कहने के सेंटर आ जाएगा, उसके बाद बंद करा दिया, ये पता नहीं किसने करा दिया, बंद हो गया। क्या कारण रहा बंद होने का भाई? ये तो उन्हें पता है जिन्होंने कराया है, वो तो उसको ही पता है। अच्छा, अगर सेंटर 24 से पहले फिर शुरू हो जाता है, क्या बीजेपी की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कल को लगवा दे, 24 के चुनाव में, 24 के चुनाव तो हारना है ना बीजेपी को। खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? ये तो पूरा पड़ेगा भाई। क्या कारण है? कारण बोल भाषा, इनकी भाषा, इनके कारनामे, इनका अत्याचार किसानों पे सबसे ज्यादा, किसानों पे तो इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार कर रखा है जितना आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। अच्छा, नुकसान रहेगा बीजेपी को? बीजेपी को तो यहाँ से तो पूरा नुकसान रहेगा, बढ़िया वाला नुकसान रहेगा भाई बीजेपी को। जैसे ये चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी की हार का क्या कारण आप मानते हैं? बीजेपी की हार का कारण उनका खुद का अपने आप में वो दिखाना, अपने आप को बिल्कुल दबंग, ये हार का कारण है। अगर किसान को साथ में लेकर चलते तो बीजेपी कहीं नहीं जाती। किस तरह के नुकसान बीजेपी को हुए हैं? बीजेपी को नुकसान, बीजेपी को तो नुकसान क्या हो, किसान को नुकसान क्या नहीं बताओ,
सारी चीज़ों पर नुकसान है, उसकी जुताई पर नुकसान है, उसकी उसकी फसल पर नुकसान है, उसको रेट पर नुकसान है, उसके दवाई पर नुकसान है, उसे दवाई नकली मिल रही है, उसका आज तक कहीं भी जांच हुई बताओ है? इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट पर दवाई बेचे है, मील वाला वो बेचे है, बीजेपी अलग से मील वाले को उससे दवाई वालों से मिली रहे। महंगाई भी बढ़ी है। हाँ महंगाई बढ़ी, महंगाई महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा नहीं, जितना किसान को उसकी लागत का अनुमान वो मिल जाए, गन्ने का दाम मिल जाए लागत का, महंगाई कोई नहीं, महंगाई सब पे बढ़ी, मजदूर पे बढ़ी, किसान पे बढ़ी, सब पे बढ़ी महंगाई, नहीं मानते बात को, महंगाई सब पे बढ़ी, नुकसान रहेगा बीजेपी। हाँ बीजेपी को नुकसान रहेगा भाई 24 में। हाँ 24 में नुकसान, अगर बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को उतारती है 24 में तो क्या भाई? वो तो सोचा जाएगा उस टाइम पे, प्रत्याशी दूसरी तरफ से कौन आ रहा है, इनके से कौन आ रहा है, उस टाइम पर वही सोचा जाएगा। प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा? हाँ प्रत्याशी प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण रहेगा, पार्टी भी महत्वपूर्ण रहेगी। पटली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा भाई? इसका चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा। अब क्या इस पे बीजेपी के पे क्या कारण मान झूठ बोल रहे हैं ये बीजेपी वाले? हाँ बड़गलाव है, हिंदू मुस्लिम कर रहे काम करते नहीं, कोई जाओ मोबाइल बंद रखा है ये, और कह रहे हैं इनको कर दिया थोड़ा काम। कौन? बीजेपी वाले हमारे जो सांसद है। सांसद जी? हाँ और क्या, जैसे ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का। हाँ भाई कितना प्रभाव इसका हारने के बाद बीजेपी? है भाई कितना प्रभाव पड़ेगा ये उपचुनाव के बाद बीजेपी पर? बीजेपी पर बहुत असर पड़ेगा इसका, काफी लोग टूट गया। और भाई इतना जो चंद्रशेखर आया जो और गठबंधन बना, ये सदा भाई मजबूत होगा मामला 24 में, गठबंधन मजबूत मजबूत रहेगा भाई। और भी चंद्रशेखर के आने से कितना मजबूत गठबंधन को मानता है भाई? काफी मानते हैं इससे, बहुत काफी वो है इससे इनकी मजबूती। चौबीस में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या अब तक गांव में काम हुए बीजेपी के शासन मुद्दे? एक तो भाई हमारा कांटा अब देख ले है ही नहीं, यो 2 तारीख में चल लू यहाँ यहाँ, और भाई इसका हंसुन तो ले जो भाई, यो कांटा 2 तारीख में शुरू हुआ, उद्घाटन कर गया था इस पे मंत्री जी का भैया कर गए थे इसका उद्घाटन, और भाई इलेक्शन हुआ, और भाई वो खुली वोट खुली, और ये हार गए, और हमारा कांटा भी भैया हार गया बेचारा, गया कांटा भी गया। तो इस संबंध में आपने मंत्री जी से बात की या मेल में किसी अधिकारियों से बात करी आपने? भाई सबसे कर लिया हमने तो, रोज अधिकारी पिछा इसे पाड़न आए थे, पाड़े है कभी कहीं लगवा दे इसे, अब नुको अब जामन कांटे पर लगवा दिया, दूसरा एक और तीसरा, हाँ यो क्या है नुको जी, यो बी है भाई, यो बी यो नहीं था क्या बी भाई, यो कौन सा था? तो भैया हमारे तो बरगला कर भैया नहीं कर दिया ना, यहाँ कोई सुन रहा है और ना कुछ, तो सब पार्टियाँ बहिष्कार कर रहे हैं। और भैया हाँ हाँ बस कब चुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव? 24 में देखो जो पोजिशन हमारे गांव की है नहीं, उससे तो थोड़ा सा मुझे हाँ हमारे गाँव से भी फर्क पड़ रहा है, पूरे क्षेत्र में फर्क पड़ रहा है कि गांव की स्थिति क्या है क्या नहीं, हमारे गांव से फर्क पड़ रहा है पूरे क्षेत्र पे। पंचायत या बल्कि 7 तारीख की महापंचायत होगी, वो भी हमारे गांव के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक जो क्रय केंद्र है हमारा गन्ना सेंटर उसके लिए। तो क्या कारण मानते हैं, क्या बीजेपी चुनाव के बाद बौखलाई हुई मानते हैं आप जी? बीजेपी तो अब अपना माइंड है उनका, लेकिन जो मजाक हमारे गाँव के साथ में करी गई है उसका हमें बहुत दुख है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव पहले बैटर था, गन्ना ठीक डल रहा था, सबसे बड़ा मेन मुद्दा हो गया, सिर में दर्द हो गया। इस संबंध में आपने किसी मेल अधिकारी से बात करी? मेल अधिकारी से कितनी बार बात कर ली लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। सेंटर लगा दिया दूसरा मेल वालों ने उसी की जस्ट बराबरों में ही, और 10 मीटर आगे लगा दिया लेकिन यूँ नहीं चलाया। अच्छा हाँ जी, मंत्री जी से बात करी इस बार? मंत्री यहाँ 3 बार जा लिए जी। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री हाँ जी इनको बस अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं फिर इसे क्यों लगा थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे 24 का चुनाव होगा, क्या अगर कंटक है यहाँ की समस्या समाधान हो जाता है? नहीं वो तो क्या बीजेपी की तरफ वापस अगर समाधान होगा तो भी वापस जाना मुश्किल होगा जी। समाधान कर दो भाई, समाधान करके भी हम झूठ नहीं बोलते यार, तू कोई दिक्कत नहीं लाइव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर भी वहाँ जाना मुश्किल होगा, क्योंकि हम ऐसी मजाक पसंद नहीं करते। हम कितने परेशान, हमें एक महीना हो गया वहाँ लौटते लौटते रात को सेंड करते, कितना बढ़िया मौसम हो रहा पता होगा आपको भी। रात वहाँ में आगे बेसहारा पशु जागे तो काम ही हो जाता रात। जो बंदा इतनी ठंड में रात वहाँ लौट रहा है नहीं उसे पता। बीजेपी का कारण संजय बालियान से कोई एलर्जी नहीं थी, भाजपा से कोई एलर्जी नहीं थी। अच्छा जी, भाजपा ने जो वादे किए वे निभाए नहीं। एक संजय बालियान ने कंटा लगवाया था वो वादे पे, वो नंबर दो का लगा या वैसा लगा इस बाबत कोई नहीं जानता। 9 दिन कंटा चला वो सेंटर पार्ट दिया। क्या कारण रहा भाई वो तो वे बालियान साहब बताऊंगे। और जबकि मैं बालियान खाब में भी आया गया है। अच्छा जी, इस बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वो नंबर दो में था नंबर एक में था, हमें गन्ने की मुसीबत सबसे ज़्यादा है। हमें किसी बात की दिक्कत नहीं, एक पशु का आवारा पशु। जैसे ये चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था तो किस तरह देखते हैं इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव का? भाई हम जाएंगे अब लोकदल पे। सीधी बात युगाड़ी भाई फॉर्म पे कौन आ रहा है? लोकदल को वोट देंगे। वोट देंगे राजगी है हमें। संजीव बालियान से कोई एलर्जी नहीं, हम तो उसके रिश्तेदार हैं, हमें कोई एलर्जी नहीं। तो पर क्या करें, गांव के साथ चलना पड़ेगा हमें। गांव के साथ रहेंगे। हाँ। गांव में बीजेपी का विरोध है। हाँ जी। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।